मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं को आज मोहन सरकार ने तोहफा दिया है और इस कार्यकाल का पहली किश्त लाडली बहनों के खाते में चले गए, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज लाडली बहनों के खाते में पैसे पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, आप भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सवाल तो बनते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कितना कर्ज लेकर ये करने वाले हैं। जो प्रदेश 4 लाख करोड़ का कर्ज ले के अंदर डुबो दिया है भाजपा ने, कितना कर्ज लेंगे? जब तक आप आय के स्रोत नहीं बढ़ाएंगे और बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे तो उनको पूरा कैसे करेंगे? और आज भी जो हुआ है, लाडली बहनों को 1250 रुपये ही क्यों मिले हैं? 3000 रुपये प्रति बहन का इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में वादा करा था, मोदी की गारंटी कहकर इसको प्रचार प्रसार करा गया था। तो क्या मोदी जी की गारंटी गलत साबित हुई है? और जब पहले 1 करोड़ 31 लाख बहनों को इसका लाभ मिल रहा था, आज वो 2 लाख बहनों को घटाकर 1 करोड़ 29 लाख बहनों को इसका लाभ क्यों मिला? तो धीरे धीरे क्या बहनों को भी बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जी को इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है? आपको क्या लगता है कि इस योजना से जो पात्र हितग्राही बहनें थी उनको हटा दिया गया है, उनको लाभ देने से वंचित किया जा रहा है? निश्चित तौर पर अगर 1 करोड़ 31 लाख पहले बहनों को इसका लाभ मिल रहा था और आज वो घटकर 1 करोड़ 29 लाख हो जाता है, तो ये साबित होता है ना कि धीरे धीरे बहनों को बाहर करने का ये तरीका निकाल रहे हैं। और जितनी राशि इन्होंने वादा करा था 3000 रुपये प्रति बहन, वो भी तो नहीं दे रहे हैं। तो क्या इसके मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री जी जो वादे मोदी जी ने गारंटी के रूप में करे थे उनको पूरा नहीं कर रहे हैं? क्या आप कांग्रेस के क्या स्टैंड रहेगा कि इस तरह से अगर योजना में से लाभार्थियों को कम किया गया है तो कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, लाभार्थियों को कम करना ये के विरोध में अभी जो विधानसभा का सत्र 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 7 फरवरी से, उसमें पूरे बढ़ चढ़ कर इस चीज़ को मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा और उनसे सवाल करा जाएगा कि आप जो लाभार्थी है वो कम कैसे कर रहे हैं? या तो आपने गलत लाभार्थी जोड़े थे सिर्फ वोट पाने के लिए और अभी आप कम कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, ये विक्रांत भूरिया हैं, यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, विधायक हैं। इनका आरोप है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना की राशि आज वितरित की गई है, इसमें 2 लाख बहनों को कम कर दिया गया है। पहले 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया गया था, अब 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ दिया गया, यानी 2 लाख महिलाओं को कम किया गया है। इनका आरोप है कि इस योजना से महिलाओं को हटाया जा रहा है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।